हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरफ मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस किया कीजिए। एंड चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट वर्क 2-3 हो, चाहे एकलव्य मॉडल स्कूल हो, केवीएस एनवीएस हो, चाहे बिहार टेट हो, सभी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए सभी प्रकार के कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, सभी चीज़ें चेकआउट कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड दोस्तों, समय नहीं है आपके पास, समय का सदुपयोग कीजिए, तभी सभी चीज़ आपको मिलेंगे, नहीं तो कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। इतना कठिन दौर चल रहा है, कॉम्पिटिशन का दौर इतना बढ़ गया है, तो आप थोड़ा मोड़ा मेहनत करेंगे तो हल्के में लेंगे किसी चीज़ को, तो आपको कोई भी चीज़ अचीव नहीं होगा। किसी भी चीज़ में मन लगा कर लगिए तो अवश्य वो मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए। क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से अलग कौन है, विषम कौन है, यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम, उबेर कप, बैडमिंटन, ये तीनों बैडमिंटन से रिलेटेड है, जबकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है आपका हॉकी खेल से, हॉकी स्टेडियम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन अलग है। तो यहाँ पे असेंबली लाइन, मार्शल, कॉल रूम, ये सभी के सभी एथलेटिक खेल से संबंधित है, जबकि सब्स्टिट्यूट जोन जो है ये खो खो खेल से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों, इसमें से अलग है पैडलर्स, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं, नेट की हाइट 6 इंच होती है, एंड पोल की हाइट 4 फीट होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पोल की हाइट, इसमें पोल होता ही नहीं है, तो पोल की हाइट कहाँ से रहेगा, इसलिए ये गलत है। एंड यहाँ पे पॉइंट जो होता है 11 पॉइंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका गलत है और सब सही है। इसके खिलाड़ी को पैडलर्स बोलते हैं। नेट का हाइट जो है 6 इंच होता है, अब 11 पॉइंट का गेम होता है। अब पोल की हाइट आपका 4 फीट खो खो का होता है, 4 फीट यानी कि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होती है, यानी 4×12 120 सेंटीमीटर। तो एक एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों, डायरेक्ट किक, बनाना किक, पेनाल्टी किक, ये तीनों के तीनों फुटबॉल से रिलेटेड हैं। एंड जबकि हिच किक जो है एक टेक्निक है लॉन्ग जंप की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे आपको देखना है फ्लैग होस्ट, यानी कि झंडा कब फहराया गया ओलंपिक में सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, फिजन फ्लाई यानी कि कबूतर कब उड़ाया गया सबसे पहले तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, ओथ टेकिंग यानी कि शपथ कब लिया गया सबसे पहले तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, यानी ये तीनों चीज़ें, ओलंपिक शपथ एंड कबूतर छोड़ना और फ्लैग फहराना, ये तीनों चीज़ें 1920 एंटवर्प ओलंपिक में हुआ है। जबकि ओलंपिक विलेज जो है, खेल गांव बनाया गया सबसे पहले 1920 लॉस एंजेलिस में, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा इसमें अलग है। तो यहाँ पे सबसे अलग है दोस्तों 1964 टोक्यो, टोक्यो आपका अलग है, क्योंकि टोक्यो का संबंध 1964 ओलंपिक से है और बाकी का संबंध मैक्सिको सिटी ओलंपिक से है। ठीक है, जैसे कि मैक्सिको सिटी हाई एल्टीट्यूड 1968 में, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर है, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत परेशानी पड़ी थी एथलीटों को। एंड एयर डी मैक्सिको, ठीक है, एंड ये आपका मैक्सिको में हुआ था, 1968 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पे
वर्दीमर, कोफका एंड कोहलर, ये तीनों के तीनों गेस्टाल्टवादी जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। और जबकि विलियम जेम्स जो हैं ये गेस्टाल्ट फिजियोलॉजिस्ट नहीं थे। विलियम और जो क्या कहते हैं गेस्टाल्टवादी थे वर्दीमर, जो गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं, और कोहलर ने जिसमें इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एंड कोफका भी, ये तीनों गेस्टाल्टवाद के फिजियोलॉजिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट थे यानी मनोवैज्ञानिक, जो विलियम उंड के प्रिंसिपल का विरोध करते थे। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो यहाँ पे अलग है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, थोड़ा यह आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन है और जिसका मैं स्टैटिक्स के अलग से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, जब भी टाइम मिलेगा मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे ख जो है आपका मीडियन का फार्मूला है और बाकी सभी मीन से संबंधित है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आर्बिटर, रूक एंड ग्रैंड मास्टर, ये तीनों शब्दावलियाँ जो हैं चेस यानी कि शतरंज से संबंधित हैं, और फीटा जो है यह आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से रिलेटेड है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे कौन अलग है? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल 1914 में स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, और जो इसका ओलंपिक में सबसे पहले यहाँ पे खेला गया था 1936 बर्लिन में, फिर उसके बाद 1949 सेकेंड लीगियार में डेनमार्क में खेला गया था। इसलिए तीनों के तीनों YMCA से HYPM यानी कि HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से संबंधित है, जबकि YMCA अलग है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना भारत में 1920 में SC बक, हेनरी क्रोबक के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे तहत हेनरी क्रोबक को भारत में शालेय शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से अलग कौन है? तो दोस्तों रेक्टस, यहाँ पे आपको देखना है ऑब्लिक्यू, ट्रांसवर्स, ये तीनों एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट की मसल्स हैं, जबकि प्रोनेटर जो है ये नहीं है। प्रोनेटर जो है यह फोर आर्म की मांसपेशी है, एंड बाकी सब पेट की यानी एब्डोमिनल की मांसपेशी है। नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है? तो यहाँ पे नेशनल फ्लैग, फर्स्ट ISI मार्क एंड पेंगली वेन काया, ये तीनों चीज़ें संबंधित है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से, क्योंकि प्रथम ISI मार्क जो है राष्ट्रीय ध्वज पर लगा था। ये तीनों राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड है, बट लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर्ट, यहाँ पे कौन अलग है? यहाँ पे आपको देखना है कि अलग कौन है। तो यहाँ पे 1904 सेंट लुइस में आयोजित हुआ था, राइट है। 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ था ओलंपिक, ये भी राइट है। 1900 पेरिस फ्रांस में हुआ था, ये भी राइट है, बट 1948 आपका म्यूनिस में नहीं हुआ था, 1948 में लंदन में हुआ था, इसलिए यह गलत है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन, यहाँ पे ओलंपिक झंडे में जो पांच छल्ले होते हैं नीला, पीला, काला, हरा, लाल के, उसी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, जैसे कि नीला, पीला, काला, हरा, लाल में नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है, एंड लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये पांचों छल्ले पांच महाद्वीपों के प्रतीक है, पांच रंग के, और दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ब्लैक है, तो ब्लैक किस महाद्वीप का प्रतीक है? अफ्रीका। तो
गिरिया, ये अब अफ्रीका में ही है इसलिए यह राइट है। एंड ब्लू जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में है इसलिए सही है। ग्रीन जो है हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड है इसलिए राइट है। एंड दोस्तों पीला यहाँ पे गलत है, क्योंकि पीला येलो जो है एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, जो कि इंग्लैंड जो है एशिया में नहीं आता है, यूरोप में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अलग कौन है। तो पेस प्लेनस, फ्लैट फूट और प्रोनेटर, ये तीनों के तीनों फ्लैट फूट से संबंधित है। फ्लैट फूट में हमारा जो पैर का तलवा होता है वो समतल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट मतलब समतल, कोई कर्व नहीं बनता है। जबकि पेस कैवस जिसे क्लोटॉज भी कहते हैं, क्लोटॉज भी कहते हैं, क्ले फूट भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व बन जाता है, जिससे गाय के खुर जैसा दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो दोस्तों यहाँ पे नेवी कूलर, टेलस, कैल्केनम, ये तीनों के तीनों जो हड्डियाँ हैं यह टार्सल बोन की है, यानी हमारे टखने की हड्डियाँ हैं नाम है, जबकि ट्रेपेजियम जो है जो हमारा नेवी कूलर, टेलस एंड कैल्केनम है, ये कार्पल की है दोस्तों, कार्पल टार्सल बोन है, जिस टार्सल में राइट बताई थी टार्सल बोन है जो हमारे टखने की हड्डियाँ हैं, जबकि ट्रेपेजियम क्या है, ये हमारे कलाई की कार्पल्स बोन है, बोन का नाम है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों आयरन, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये तीनों के तीनों जो है कमी से एनीमिया हो जाता है, जबकि ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों, जैसे कि डायबिटीज, ब्लेडनेस, ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस नहीं, डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्लेडनेस यानी गंजापन, हार्ट अटैक, ये तीनों के तीनों जो है असंक्रामक रोग हैं, जबकि आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, यह कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कौन अलग है चारों में से, तो दोस्तों यहाँ पे अलग कौन है, तो मोटर एरिया, सेरिब्रम, सेंट्रल सल्कस, ये तीनों के तीनों संबंधित हैं सेरिब्रम से, जबकि सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो दोस्तों यहाँ पे अलग कौन आपको लग रहा है, जैसे कि हमारा बॉडी मूवमेंट को कौन कराता है, सेरिबेलम, जो पश्च मस्तिष्क में आपका दो आते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, तो जो हमारा बॉडी मूवमेंट का, बॉडी संतुलन को रखता है वो सेरिबेलम करता है। तो बॉडी कोऑर्डिनेशन यानी संतुलन बनाना, बॉडी मूवमेंट बनाना, ये सेरिबेलम करता है, तो ये तीनों के तीनों सेरिबेलम से संबंधित है, जबकि सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, जो हमारे बुद्धि और चिंतन का केंद्र होता है, बुद्धि और चिंतन का, इमोशन, लर्निंग, सीखना, थिंकिंग, सोचना, ये सब का केंद्र होता है सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपका सूचर यानी कि अचल संधि, हमारे खोपड़ी के जोड़ को सूचर जोड़ कहते हैं, जिसमें आपका सेजिटल, टेम्पोरल, लिम्बोइनल सूचर आता है, बट ऑसिपिटल सूचर नहीं आता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो दोस्तों यहाँ पे है पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये तीन है
कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसे सैकेराइड्स बोला जाता है, इसके सरल शर्करा और जटिल शर्करा में बांटा गया है, जिसमें से इसको तीन भागों में बांटा गया है। सरल शर्करा में आता है मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, एंड जटिल शर्करा में आता है पॉलीसैकेराइड। यानी तीनों आपके कार्बोहाइड्रेट के भाग हैं, जबकि नैनोसैकेराइड्स नाम का कोई भाग नहीं होता, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे लिपिड, जिसे वसा का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक रूप से रासायनिक रूप से वसा को रासायनिक रूप से लिपिड बोला जाता है, ठीक है। अब वसा जो है टूटता है ग्लिसराल और फैट में, तीनों के तीनों आपके क्या हैं, वसा से रिलेटेड हैं, बट अमीनो एसिड जो है वह प्रोटीन से रिलेटेड है, किससे, प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में, ठीक है। और वसा किस में टूटता है, ग्लिसराल और फैट्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है? तो दोस्तों साइकोलॉजिकल में आयु ज्ञात करने के लिए क्रोनोलॉजिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड आपका साइकोलॉजिकल होता है मेंटल एज होता है, बट मेंटल एज यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे सडन डेथ टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट को बोलते हैं, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट को बोलते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट को बोलते हैं, बट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट को बोला जाता है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग क्या है? तो जैसे कि दोस्तों रेस्पायरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया 0.5 सेकेंड का होता है, एक श्वसन प्रक्रिया 0.5 सेकेंड का, 0.5 सेकेंड, इसमें से एक्सपायरेशन 0.3 सेकेंड एंड इंस्पायरेशन 0.2 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे आपका गलत है। एंड चौथा ऑप्शन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड होता है, एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, तो राइट है। ऑप्शन नंबर गो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, अलग कौन है? तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पे किडनी, यूरिन, डायुरेटिक्स, ये तीनों के तीनों एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं, जबकि डेड स्पेस जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, यानी श्वसन तंत्र। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कार्पस बोन जो हमारी कलाई की बोन होती है, 8-8 होती है, फ्लैंजियस यानी कि अंगुलियाँ जो है 14-14 होती हैं, टिबिया एक होती है एक एक पैर में, तो यहाँ पे टॉर्सस जो है जो हमारे टखने की हड्डी होती है कितनी होती है, टखने की हड्डी एक में कितनी होती है, 7 होती है, तो यहाँ पे 9 दिया है इसलिए गलत है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो यहाँ पे अलग आपका कौन सा लग रहा है, एंडोमायसियम, एक मांसपेशी की परत, मांसपेशी तंतु की जो ढके रहता है परत, उसको एंडोमायसियम बोलते हैं, एंड एंडोकार्डियम मांस हृदय की अंदरूनी परत को कहते हैं, सबसे अंदरूनी परत को, एंड हाइपोडर्मिस त्वचा की सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं, एपिडर्मिस सबसे ऊपरी परत होती है त्वचा की, फिर डर्मिस होती है, फिर सबसे अंदरूनी परत हाइपोडर्मिस होती है। तो ये सभी तीनों के तीनों किसी न किसी परत से रिलेटेड है, बट एंडोलिम्फ जो है ये हमारे कान में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की संतुलन बनाए रखता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 29 धावक हैं तो आखिरी हीट में कितने धावक होंगे? तो दोस्तों अगर 29 धावक हैं तो आखिरी हिट में 7 धावक होंगे। कैसे? क्योंकि धावकों के लिए 4 हिट्स होंगी, तो 29 को 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। जो एक शेष बचेगा धावक उसको पहली हिट में जुड़ेगा, तो पहली हिट में 8 धावक दौड़ेंगे और दूसरी तीसरी चौथी हिट में 7 धावक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 7 आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर डी कॉसेशन का संबंध शरीर के किस अंग से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर डी कॉसेशन का संबंध शरीर के किस अंग से है, यानी कि हमारे गति का संबंध शरीर के किस भाग से है बैलेंस बनाने का। तो मोटर डी कॉसेशन का भाग जो है वो हमारे शरीर के किससे है? मिडला अब्लांगेटा नहीं, यहाँ पे आपका मोटर डिकॉसेशन का बात कर रहा है, तो यहाँ पे सेरिबेलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेरिबेलम, लेकिन मिडला अब्लांगेटा नहीं हुआ, क्योंकि मिडला अब्लांगेटा जो है समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को, जो हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र सभी को कंट्रोल करता है, तो मोटर डिकॉसेशन आपका है संबंध शरीर के किस अंग से है, यहाँ पे इसको अच्छे से देखना होगा। ये आपके कन्फ्यूजन में है, इसलिए इसको दूसरे वीडियो में कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मोटर यानी कि गति की बात आएगी तो सेरिबेलम ही होगा, बट डिकॉसेशन का यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है इसके कंपेरिजन में नेक्स्ट वीडियो में इसका कंक्लूजन बताऊंगी, ठीक है। आप सब भी इसको ढूंढिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट टाइम का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह ट्रेजेटरी से संबंधित है, ट्रेजेटरी पथ, जहाँ पे हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, थ्रोइंग इवेंट से ज़्यादातर ये रिलेटेड है। तो जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो जो अधिक ऊंचाई पर होता है उस समय एसेंट टाइम होता है, फिर जब नीचे की तरफ आता है तो उसको डिसेंट टाइम कहते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। प्रथम अध्यक्ष रॉबर्ट ग्यूरिन फ्रांस के थे एंड वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रीकर्जर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए का प्रीकर्जर है कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट के द्वारा विटामिन ए का निर्माण होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर यानी टोमेटो में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो इसमें लाइकोपीन पाया जाता है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? लाइकोपीन। एंड नेक्स्ट है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? दोस्तों बॉडी बिल्डर यानी शरीर का निर्माण करने वाला होता है प्रोटीन, याद रखिएगा। जहाँ पे स्ट्रेंथ से संबंधित हो तो स्ट्रेंथ में मसल्स डेवलप होता है तो वहाँ प्रोटीन ज़्यादा जरूरत होगा, जहाँ सहनशीलता की जरूरत हो, लंबे समय की क्रिया हो, वहाँ कार्बोहाइड्रेट आपका राइट रहेगा, दोनों चीज़ों में याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य धाम योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैवल्य धाम योग संस्थान पुणे लोनावला में स्थित है, ठीक है, पुणे में स्थित है, लोनावाला, पुणे लोनावाला में स्थित है कैवल्य धाम। नेक्स्ट है, बर्नर इंजरी का संबंध किससे है? तो दोस्तों बर्नर इंजरी का संबंध नर्व इंजरी से है, किससे है? नर्व इंजरी से है। नेक्स्ट है, अस्थि का कुछ भाग टूट जाए वो कौन सा फ्रैक्चर होता है? दोस्तों अस्थि का कुछ भाग टूट जाए यानी कि हल्का सा टूटे यानी मुड़ने जैसा हो जाए तो उसे के ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर कहते हैं, ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर। ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, किसमें होता है? छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है। जैसा कि फ्रैक्चर जो है मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जैसे एक सिंपल फ्रैक्चर होता है जिसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें टूटने पर हड्डी जो है
चमड़ी कटती फटती नहीं है, बाहर नहीं निकलती है, तो उसे क्लोज फ्रैक्चर यानी सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है मिश्रित फ्रैक्चर, जिसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, जिसमें हड्डी टूटकर चमड़ी से बाहर निकल जाती है। एक होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटकर मुलायम अंगों जैसे फेफड़े, हृदय, गुर्दे आदि में धंस जाती हैं। एक होता है आपका विखंडित फ्रैक्चर, जिसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, इसमें एक हड्डी का कई टुकड़ा, एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना होता है, जैसे कि मुलायम ऊतकों में संक्रमण का इसमें खतरा बना रहता है। आपका एक होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जिसे संघात फ्रैक्चर कहते हैं, जिसे पेनिट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में हड्डी टूटकर एक हड्डी से दूसरी हड्डी में के सिरे से रगड़ खाती है। एंड एक होता है ग्रीन स्टेज फ्रैक्चर, जिसे छोटे बच्चों और शिशु में ज़्यादा होता है, एक तरफ का टूटता है, एक तरफ का भाग मुड़ जाता है, यानी पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण किसी आघात से टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। एक होता है डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर, जो खोपड़ी के कपाल यानी क्रेनियल भाग की हड्डी टूट कर अंदर धंस जाती है, उसे डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है रोगात्मक अस्थिभंग यानी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जिसमें रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने से कारण टूट जाता है। एक आपका बार बार नाम सुनते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, बार बार क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है एक ओवरयूज इंजरी होती है, जो हड्डी या जोड़ से जुड़ी हुई पेशी या टेंडन के बार बार प्रयोग से हड्डियों में बाल यानी लाइन आ जाता है, उसे ही स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर का पता कुछ दिनों बाद जब उस अंग में तीव्र दर्द होता है, का आभास होने लगता है, तब पता चलता है, ठीक है। और एक होता है आपका मार्च फैक्टर, वही स्ट्रेस फ्रैक्चर जो हमारे टखने के मेटाटार्सल हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसी को मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। क्यों कहा जाता है मार्च फ्रैक्चर इसको, क्योंकि पैरों के पंजों का ज़्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल हड्डी में बाल यानी लाइन आ जाता है, लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम बड़ा मार्च फ्रैक्चर यहाँ पे 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया था, जिसके कारण इसका नाम मार्च फ्रैक्चर रख दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो यहाँ पे उसके लिए होता है स्टेप ऑफ इक्विजिशन ऑफ स्किल, सबसे पहले स्किल टेस्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिसाइन इंडिकेटर किस खेल में प्रयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था यूपी टीजीटी 2021 में, प्लास्टिसाइन इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग जंप में, लंबी कूद में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीपल चेज में स्टीपल से क्या तात्पर्य होता है, स्टीपल से तात्पर्य होता है स्टीपल चेज में पानी बाधा, ठीक है। तो स्टीपल चेज यानी पानी बाधा दौड़ जो होता है, पानी बाधा दौड़ में क्या होता है, पानी बाधा दौड़ में कुल 35 बाधा होती हैं, जिसमें से 28 बाधा होती है और 7 जलकूदें होती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा संतुलन के लिए लंबाई छोटी होनी चाहिए, राइट, गुरुत्वाकर्षण बिंदु नीचे होना चाहिए भी, राइट, निनमें से और क्या होना चाहिए दोस्तों, तो अच्छे बैलेंस यानी संतुलन के लिए लंबाई छोटी होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बिंदु जितना नीचे रहेगा उतना ही अच्छा बैलेंस बना रहेगा, और जो हमारा सरफेस होता है जो जितना चौड़ा होगा उतना ही आपका सरफेस सपोर्ट, जितना बड़ा बेस यानी जो बेस होता है जितना बड़ा होगा उतना ही संतुलन अच्छा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, जैसे कि दोस्तों महिलाओं का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वह पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए संतुलन की क्रियाएं महिलाएं ज़्यादा कर लेती हैं। नेक्स्ट है, हवा का वेग कितने मीटर प्रति सेकंड से अधिक होने पर विश्व रिकॉर्ड नहीं माना जाता, तो दोस्तों अगर हवा का वेग जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक है तो विश्व रिकॉर्ड नहीं माना जाता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे अलग है ऑप्शन नंबर ग सिग्मा एक्स अपॉन एन, यह मीन का गणना करने का सूत्र है, अब बाकी सब मीडियन से संबंधित है यानी माध्यिका से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों के तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका क्यू डी यानी कि क्वार्टियल डिविएशन या विचलनशीलता यानी कि वेरिएबिलिटी के अंतर्गत को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे नेल कटर, पीलर, फोर्स मल्टीपीलर, ये तीनों समान है, जबकि स्पीड मल्टीपीलर जो है आपका अलग है। ये लीवर के मैकेनिकल यानी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे इन स्टेप, पुश पास, चेस्ट ट्रैप, ये तीनों आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, जबकि सिंगल चैन जो है वह संबंधित है खो खो से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे हालो बैग, लाडोसी, स्वे बैग, एक ही चीज़ का नाम है। लाडोसी जिस जो हमारे कमर में गड्ढा टाइप का हो जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, उसे लार्डोसिस कहते हैं, जिसको हम हालो बैक, स्वे बैक नाम से भी जाना जाता है। जबकि यहाँ पे अलग है हंच बैक, जिसे कुबड़ा यानी कि कुबड़े को बोला जाता है, हंच बैक काइफोसिस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपका अलग कौन है? तो दोस्तों नी ज्वाइंट जो है, जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कोहनी में हो सकता होता है, एंड शोल्डर में इलेवेशन डिप्रेशन, यानी शोल्डर को ऊपर उठाना इलेवेशन और नीचे करना डिप्रेशन, एंड शोल्डर में आपका एबडक्शन एडक्शन दोनों मूवमेंट होता है। एबडक्शन शोल्डर को ऊपर की तरफ मध्य शरीर की पोजिशन से दूर ले जाना, एंड एडक्शन शरीर की पोजीशन की तरफ लाना कंधे को। एंड आसन नंबर घ जो है शोल्डर, सुपाइनेशन प्रोनेशन, यह गति नहीं होता है। सुपाइनेशन में हथेली आसमान की ओर होता है, एंड प्रोनेशन में हथेली जमीन की तरफ होता है। तो सुपाइनेशन में हम पीठ के बल लेटते हैं और हथेलियाँ आसमान की तरफ होती हैं, प्रोनेशन में हम पेट की तरफ लेटते हैं और हथेलियाँ जमीन की तरफ होती हैं। तो ये चीज़ें हमारा होता है रिस्ट यानी कलाई में, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल रेडियो वायरा रेडियस अल्ला में ये गति होती है, तो इसलिए गलत है यानी अलग है। तो दोस्तों आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी टाइप का है ज़रूर, लेकिन इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिले विशेष इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।